हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील कुमार धनवंता है और आज हम बात करने वाले हैं कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में कौन कौन से डिफ़िकल्टीज का सामना किया जाता है, कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना किया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि हर साल यूपीएससी में हिंदी मीडियम से सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट की संख्या लगातार गिरती जा रही है और अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के अगर अपेक्षा देखी जाए प्रतिशत तो वो बहुत कम है। तो हम यही बोल सकते हैं कि हिंदी माध्यम के रिजल्ट के कम होने के पीछे कौन कौन से कारण हैं, क्योंकि हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी समस्याएं वो सामना करते हैं। तो बात यह है कि अगर 2008 के जो रिजल्ट देखा जाए यूपीएससी का, तो उसमें हिंदी माध्यम से थर्ड रैंक भी आई हुई है, लेकिन उसके बाद में कभी टॉप 50 में एक बंदा मिलता है, कभी दो बंदे मिलते हैं, और अब तो एक दो साल से देखा जा रहा है कि हिंदी माध्यम का टॉप 100 में भी कोई छात्र नहीं होता। तो इसके क्या कारण हैं, इसके कारण देखेंगे और इसके पीछे जो समाधान है वो भी हम देखेंगे। तो हम बात कर सकते हैं कि डिफ़िकल्टीज कौन कौन सी है, कठिनाइयाँ कौन कौन सी है। मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो मेरा नाम सुनील धनवंता है और मैंने अपना ग्रेजुएशन IIT दिल्ली से किया है और मैं 2017 का पास आउट हूँ। मेरा ब्रांच था सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद में मैंने एक साल तक JNU से ज्योग्राफी का पढ़ाई किया है, वहाँ से मैंने GRF निकाला ज्योग्राफी में, और उसके बाद में 2017 में ही मैंने UPSC का एग्ज़ाम दिया। तो मैंने उसमें मेंस लिखा पहले अटेम्प्ट में, लेकिन ऑप्शनल का थोड़ा तैयारी नहीं होने की वजह से मेरा उस टाइम पे सिलेक्शन नहीं हो पाया, और उसके बाद में 2018 में मैंने अच्छे से तैयारी करके UPSC CSE के हिंदी मीडियम में मैंने 12वीं रैंक हासिल की 2018 में। तो उसके बाद में मैं लगातार स्टूडेंट को मोटिवेशन देने का काम करता रहता हूँ। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। मैं एक हिंदी माध्यम का स्टूडेंट हूँ तो मैं हिंदी माध्यम की समस्याओं को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मैंने कौन सी समस्याएं फेस की और आम तौर पर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट कौन कौन सी समस्याओं को फेस करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम अनअकैडमी चैनल के बारे में बात करें तो अनअकैडमी चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर सैकड़ों एजुकेटर अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। सुदर्शन जी हैं, रोमन जी हैं, मुदित जी हैं, मृणाल पटेल जी हैं जो इकोनॉमी का लेसेंस लेते हैं, सिद्धार्थ अरोड़ा जी हैं, जतिन वर्मा जी हैं, तो बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, क्वालिटी एजुकेटर्स हैं, क्वालिटेटिव एजुकेटर्स हैं, और कई प्रशासक भी हैं, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स भी हैं जो अनअकैडमी चैनल के थ्रू अपना गाइडेंस स्टूडेंट्स को देते हैं। तो आप सब्सक्रिप्शन के माध्यम से इस चैनल से जुड़ सकते हो और सब्सक्रिप्शन में 12 मंथ का प्लान है जो 3,333 पर मंथ और 12 मंथ में 40,000 का टोटल बनेगा। लेकिन यदि आप मेरे कोड का इस्तेमाल करते हो SUNIL का, तो आपको 10% का सीधा ऑफ मिलेगा और आपका 40,000 का प्लान वो 36,000 में आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार यदि आप देखें कि 24 मंथ का प्लान है वो 2,667 रुपये पर मंथ में पड़ेगा और कुल टोटल 64,000 में पड़ेगा 24 मंथ के लिए। लेकिन यदि आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हो इसमें, तो आपको फिर से 10% का ऑफ मिल सकता है और 64,000 का कोर्स आपको 57,600 में मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप रेफरल कोड का, मेरे एजुकेटर रेफरल कोड का इस्तेमाल करके आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। और इस कोर्सेज में क्या क्या विशेषताएं होती है अगर हम उसकी बात करें, तो रोज़ाना 30 घंटों से भी ज़्यादा लाइव क्लासेज आपको वहाँ पे अवेलेबल कराई जाएंगी। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोर्सेज देख सकते हो। इंग्लिश और हिंदी मीडियम एक बहुत अच्छा काम है हिंदी मीडियम के लिए कि यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी क्वालिटी के एजुकेटर अवेलेबल है, क्वालिटी का गाइडेंस आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको 100 एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे लाइव कोर्सेज के माध्यम से, ट्यूटोरियल्स के माध्यम से और हैंडआउट्स के माध्यम से आपको गाइडेंस दिया जाएगा। और प्रत्येक मंथ बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे पब्लिश किए जाएंगे जिनका फ़ायदा आप
सब्सक्रिप्शन के माध्यम से उठा सकते हैं। और यही फैसिलिटी आपको अनअकैडमी के ऐप पर भी अवेलेबल कराई जा रही है, और आप मोबाइल के माध्यम से ऐप डाउनलोड करके भी सेम टू सेम सुविधा आप बिल्कुल अवेल कर सकते हो। 12 मंथ का प्लान, उस पर अगर आप सब्सक्रिप्शन पे आप अगर डिस्काउंट अवेल करना चाहते हो तो कोड अप्लाई करना पड़ेगा आपको, मेरा कोड है SUNIL कैपिटल में। अगर ये आप अप्लाई करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और आप वही 40,000 का प्लान आपका कम होके 36,000 का बन जाएगा। इस प्रकार से आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं, और थाउजेंड्स ऑफ एजुकेटर्स कोर्सेज के माध्यम से घर बैठे UPSC की तैयारी को एक तरह से आगे जारी रख सकते हैं। जहाँ की जो बड़े बड़े शहर हैं, कई वंचित लोग होते हैं, शहर जाने में सक्षम नहीं होते, उनके लिए प्लेटफॉर्म में काफ़ी भूमिका अदा कर सकता है। तो हम बात करने जा रहे थे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो अच्छे स्टडी मटेरियल होते हैं, जो अच्छे सब सब्जेक्ट के लिए जो गुड रिसर्च अनुसंधान किए हुए मटेरियल होते हैं, वो मुख्यतः अंग्रेजी भाषा में पाए जाते हैं। इसलिए हिंदी माध्यम के पास एक अच्छे ओरिजिनल हिंदी में लिखे हुए स्टडी मटेरियल की काफ़ी कमी महसूस की जाती है हमेशा से, और उस वजह से वो अंग्रेजी वाले छात्रों से पीछे पिछड़ जाते हैं। और जो दूसरी समस्या इसी दिशा में वो ये है कि कई लोग अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन करके मटेरियल अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके ट्रांसलेशन की क्वालिटी प्रॉपर ना होने की वजह से भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे कई बार UPSC के पेपर में भी देखा गया है कि बहुत सारे शब्दों को उन्होंने गलत ट्रांसलेशन किया, और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को उसका हर्जाना चुकाना पड़ा प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो और UPSC में भी देखा जाता है कि जो प्रेफरेंस की लैंग्वेज होती है, यदि कहीं समस्या है तो इंग्लिश माध्यम को आप प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इसी वजह से हिंदी माध्यम के नेग्लिजेंस की वजह से, हिंदी माध्यम में अच्छे मटेरियल की अवेलेबल से, गुड ट्रांसलेशन की वजह से, अच्छी क्वालिटी के ट्रांसलेशन के कमी के वजह से ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ साथ में बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जिनके फॉरेन बुक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। फॉरेन के अगर कोई बुक्स पढ़ना चाहते हो कॉन्सेप्चुअल बेसिस के लिए, तो वो भी इंग्लिश में अवेलेबल होती है। इसलिए भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो हिंदी में अपना मटेरियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए कि इंग्लिश के बराबर वो मैच कर सके। इसलिए सबसे बड़ी समस्या है वो है गुड मटेरियल की कमी। इसके बाद में हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को जो दूसरी समस्या का सामना करना पड़ता है वो ये है कि जो पैटर्न है, जो पेपर का पैटर्न होता है, वो इंग्लिश स्टडी मटेरियल से ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, वो द हिंदू से कई बार सीधे सीधे क्वेश्चंस वहाँ से उठाए जाते हैं, वहाँ से मेंस के क्वेश्चन भी, प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी, लेकिन हिंदी के स्टूडेंट हैं वो, उनकी इंग्लिश इतनी मजबूत नहीं होती है कि वो हिंदू जैसे कठिन न्यूज़पेपर को पढ़ सके, और उसी कारण से वो उन क्वेश्चन को हल करने से कई बार वंचित रह जाते हैं, उनको पढ़ने से वंचित रह जाते हैं, जिनका हर्जाना उनको एग्जाम में भुगतना पड़ता है। तो दूसरा कारण ये है कि पेपर के पैटर्न सब वो इंग्लिश मीडियम के मटेरियल पे बेसिस होते हैं, और उसके बाद में जो है मॉक टेस्ट, अच्छी क्वालिटी का मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज, ये भी जो रीजनल लैंग्वेज होती है हिंदी के साथ साथ, उनमें काफ़ी कम पाए जाते हैं। इंग्लिश में रिसर्च बहुत ज़्यादा होता है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं वो भी इंग्लिश में ज़्यादा रिसर्च करते हैं, इंग्लिश में बहुत सारी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट भी बन चुकी हैं, मैगजीन्स इंग्लिश में छपती है। खैर आजकल ट्रांसलेटेड मैगजीन्स आ रही हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं होती कि वो इंग्लिश मीडियम के बराबर बराबरी कर सके। इसलिए हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, और जो लास्ट में जाके उनके रिजल्ट में झलकता है। जैसे अगर 15% स्टूडेंट ने टोटल ने प्रीलिम्स क्लियर किया है कुल स्टूडेंट्स का, तो उसमें से केवल 2-3% विद्यार्थी ही मेंस दे पाते हैं, और मेंस में क्लियर होके
1% विद्यार्थी भी इंटरव्यू नहीं देते, जब लास्ट में परसेंटेज निकाला जाता है इंग्लिश विद्यार्थियों के कंपैरिजन में, तो वो 700-800 बच्चों में केवल 15-20 सिलेक्शन रह जाता है। और रैंक की बात करें तो टॉप 100 में आजकल हिंदी माध्यम के स्टूडेंट दिखाई नहीं देते हैं। ये इसके पीछे यही कारण है कि अच्छा मटेरियल अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश मीडियम के लिए सुविधाएं ज़्यादा है, और इंग्लिश मीडियम के जो चीज़ें हैं वो पेपर में सीधे झलकती हैं, इसी की वजह से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को समस्या का सामना करना पड़ता है। अब आगे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को समस्या का सामना करना पड़ता है वो ये है कि राइटिंग स्पीड, इंग्लिश मीडियम का किसी भी मात्रा का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, वो सीधा एक फ्लो में लिख सकते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम में बहुत सारी मात्रा, अनुस्वार, विसर्ग, इनका इस्तेमाल करने की वजह से, शिरोरेखा खींचने की वजह से टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। और जहां एक मिनट में इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी एवरेज 35 वर्ड्स लिख सकता है, ये रिसर्च में बोला गया है, वहीं हिंदी माध्यम का स्टूडेंट फुल स्पीड के साथ एक मिनट में 25 वर्ड लिख सकता है। इसका मतलब ये है कि बराबर समय में हिंदी मीडियम का स्टूडेंट पर मिनट 10 शब्द कम लिखता है, और इसी वजह से कई बार उनका परीक्षा में पेपर छूट जाता है। मेंस का पेपर बहुत लेंदी होता है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट की स्पीड अच्छी होने की वजह से वो लोग पेपर पूरा करने में सक्षम होते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के केवल विरले, केवल रेयर लोग ही ऐसा कर पाते हैं कि पेपर पूरा कर पाएं। इसी वजह से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का मेंस में सिलेक्शन काफ़ी कम होता है, और इंग्लिश मीडियम की वजह से इंग्लिश मीडियम के पीछे वो पिछड़ जाते हैं, तो ये कारण अगला हो सकता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो अगला कारण ये हो सकता है कि लैक ऑफ प्रॉपर क्वालिटी स्कूल एजुकेशन। इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादातर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट होते हैं वो रूरल बैकग्राउंड से होते हैं, और रूरल बैकग्राउंड में स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी इतनी भारत में अच्छी नहीं है, वहाँ पे उनको क्वालिटी की एजुकेशन नहीं मिलती, चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर नहीं करवाया जाता, अंग्रेजी को अच्छा नहीं पढ़ाया जाता, टीचर्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। इन्हीं सभी समस्याओं की वजह से उनके सब्जेक्ट की क्लियरिटी, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, चीज़ों के बारे में जानकारी, अवेयरनेस इंग्लिश मीडियम के शहरी बच्चों से काफ़ी कम होती है। इसी वजह से वो स्टूडेंट बाद में जाकर के उस पुअर एजुकेशन का, उस पुअर क्वालिटी एजुकेशन का हर्जाना भुगतते हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से पिछड़ते हुए चले जाते हैं। जहाँ एक एवरेज इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को हिंदी के एवरेज स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, इसी वजह से वो आगे निकल जाता है, लेकिन हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों में ये कमी होती है, और इसी की वजह से सारा जो चीज़ है वो परिणाम में झलकता है और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से पिछड़ जाते हैं। अब आगे हम बात करें तो वो ये है कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट में मोरल और सेल्फ एस्टीम काफ़ी कम होता है, उनका लेवल काफ़ी कम होता है। कई बार हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ज्ञान तो होता है लेकिन इंटरव्यू में उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती, बोल नहीं सकते, हिचकिचाहट की वजह से अपने विचार नहीं रख सकते खुल के, और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो अपने आप को इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के सामने एक बौना महसूस करते हैं, एक तुच्छ महसूस करते हैं। इसी की वजह से मोरल और सेल्फ एस्टीम की वजह से, कमी की वजह से उनको कई बार समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से जो हिंदी माध्यम के इंटरव्यू में जो एवरेज मार्क्स होते हैं वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से कम होते हैं, और वो ये है कि उनकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल, चीज़ों के बारे में कम जानकारी। तो ये बात हो गई कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है हर स्तर पर। तो अब ये बात आती है आगे कि इनका समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तो समस्या का समाधान ऐसे किया जा सकता है कि सबसे पहले जो मौलिक भाषा में, मौलिक हिंदी में जो मटेरियल लिखे जाते हैं यूपीएससी के लिए, उनकी संख्या बढ़ाई जाए। दूसरा ये कि क्वालिटी का ट्रांसलेशन अवेलेबल कराया जाए, जो प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स होते हैं उनको उस भाषा की भावना का पता होना चाहिए,
और एक ट्रांसलेशन में क्वालिटी होनी चाहिए, साथ साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन की व्यवस्था की जाए, और स्टूडेंट के मोरल और सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए उनमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए, उनके लिए काउंसलिंग सत्र आयोजित किया जाए। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं जिनके माध्यम से स्टूडेंट अच्छा रिजल्ट गेन कर सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप हिंदी माध्यम के होने के नाते आप कभी भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिराओ मत, और हमेशा एस्टीम को ऊपर रखो, कॉन्फिडेंस रखो, और कोशिश करो कि अपने नोट्स बना के और इंग्लिश मीडियम के नोट्स को ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में समझ के और अपने मटेरियल को बढ़ाने की कोशिश करो। साथ में ही इंग्लिश को, जो अंग्रेजी भाषा होती है, उसको बाधा ना मानकर एक चुनौती मानो और उसको समझने की कोशिश करो, और एक सब्जेक्ट के तौर पर उसको लेके चलो और बार बार प्रैक्टिस करो, फंडामेंटल विकसित करो अंग्रेजी के, और कोशिश करो कि अंग्रेजी के न्यूज़पेपर आज आप भी पढ़ पाओ, ताकि आप अंग्रेजी माध्यम के जो पैटर्न होते हैं सवालों के, उस चीज़ को समझ सको। अंत में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप अनअकैडमी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर मेरा कोड आप यूज़ करते हो SUNIL तो आपको सब्सक्रिप्शन पे 10% का ऑफ मिलेगा, और आप घर बैठे UPSC के आराम से तैयारी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।